हेलो बच्चों, आज हम अपनी 9th क्लास की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व का पहला पाठ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम मुक्ति, समानता और स्वतंत्रता को सहज सुलभ मानकर चलते हैं, लेकिन यह हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है। इसका भी एक इतिहास रहा है। बहुत से लोगों ने बहुत सारी क्रांतियां की, तब जाके हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति क्यों, कैसे और कब हुई तथा इसके क्या परिणाम निकले, इसका अध्ययन आज हम विस्तार पूर्वक करेंगे। तो चौदह जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को सैन्य में घुसने का आदेश दे दिया था, यानी कि जो फ्रांस का सम्राट था उसने अपने किले से निकलकर और शहर में अपनी सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश तो दे दिया था, साथ में लोगों में यह अफवाह फैल गई कि वह जो शहर के लोग हैं उन पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। जब राजा लोगों को लगा कि राजा के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सेना का गठन कर लिया और हथियारों के लिए जो सरकारी भवन थे उन पर उन्होंने हमला कर दिया। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले को जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला मार बारूद मिलने की संभावना थी। जो बास्तिल किला था उस पर लोगों ने धावा बोला और उसको ध्वस्त कर दिया, उसको गिरा दिया। वहां की जो जेल थी उसमें से जो कैदी थे उनको आजाद करवा दिया और उनको ऐसी संभावना थी कि यहां हमें बहुत मात्रा में गोला बारूद प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने उस बास्तिल किले को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। बास्तिल के किले में जो कैदी थे उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रति होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। क्योंकि सम्राट बास्तिल के किले में रहकर ही शासन करता था और निरंकुशता को मतलब वो जनता के लिए ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचता था, इसलिए लोगों में उसके प्रति बहुत ही रोष था। इसके कारण लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया और उसके जो स्मृति जो सामान था उसको लोगों में बेच दिया। जो लोग उसको अपने आजीवन रखना चाहते थे कि हाँ ये बास्तिल का किले के स्मृति चिन्ह है, उन लोगों ने उसको खरीदा और अपने पास रखा। इस घटना के बाद कई दिन तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने से हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? इतिहासकारों ने इस घटनाक्रम को फ्रांस की क्रांति का एक लंबे समय तक जो उनकी क्रांति चली उसका आगाज माना और ये माना इसी से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। अब हम अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई उससे पहले का फ्रांसीसी समाज किस तरीके का था। सन 1774 में पूर्व राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, यानी कि जिस समय लुई 16 राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष में उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे कि वह अपने जनता की भलाई के लिए कोई कार्य कर सके। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्षा के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, यानी जो दूसरे देशों के साथ लंबे समय तक युद्ध चला उसके कारण जो वित्तीय स्रोत थे जहां से राजा को धन की प्राप्ति होती थी वो सारे नष्ट हो चुके थे। लुई 16 के शासन
शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को फ्रांस का शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। लिब्रे उस समय के फ्रांस की समाज की मुद्रा थी। सरकार ने कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी ना काफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था और केवल 3 एस्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। 18वीं सदी में जो फ्रांस का समाज था वो 3 एस्टेट में बटा हुआ था। ये 3 एस्टेट थे, प्रथम एस्टेट में पाली वर्ग आता था, द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग जो कि राजमहल से राजा से संबंधित होता था, और तृतीय एस्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील। उसके बाद में किसान और कारीगर और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर इत्यादि आते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्य सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। बच्चों आपकी पुस्तक में चित्र 2 दिया हुआ है, इसमें इन तीनों स्टेट का बताया गया है कि प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील आते थे, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे। पादरी वर्ग वो लोग होते थे जो कि चर्च के विशेष कार्यों को वो लोग करते थे। उसके बाद में आता है कुलीन वर्ग, यह राजा से संबंधित लोग होते थे जो राजा के महल में कार्य करते थे या राजा के परिवार के लोग कुलीन वर्ग में आते थे। ये दोनों वर्ग राजा को कर अदा नहीं करते थे। तृतीय स्टेट में आते थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी जो कि अदालतों में कार्य करते थे और वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। ये तीसरे स्टेट के लोग ही राजा को कर देते थे। अब तीसरे स्टेट में हम देखते हैं कि कुछ लोग अमीर होते थे और कुछ गरीब, जैसे कि बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील, ये लोग अमीर वर्ग में आते थे, जबकि छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर जो कि दूसरों के यहाँ काम करते थे वो गरीब वर्ग में आते थे। किसान और कारीगर, इसमें कुछ किसान ऐसे होते थे जिनके पास अधिक जमीन होती थी और कुछ के पास कम होती थी, तो इन दोनों के बीच की श्रेणी इसमें आती है। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। जो किसान वर्ग था उसमें ज्यादातर के पास जमीनें नहीं थी, बल्कि वो जमींदारों की दी हुई जमीन पर कार्य करते थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। ये लोग कर भी प्रदान, जो प्रथम 2 स्टेट के लोग थे ये कर भी प्रदान नहीं करते थे और कुछ अधिकार विशेष अधिकार इनको मिले हुए थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राजभोग कर, दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। वे किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी को सेवा स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों के करों का एक हिस्सा ताइद यानी कि धार्मिक कर लेता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों को टाइड यानी प्रत्यक्ष कर जो कि सीधे राज्य में ही जमा कराना पड़ता था, और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। बच्चों आज हम इस पुस्तक में इस पाठ का यहीं तक अध्ययन करेंगे। आगे के लिए हम अगले वीडियो में आपका अध्ययन सुचारू रखेंगे।